हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जर्वस लालंग में फिर से एक बार स्वागत है। कैसे हो आप सभी लोग और सबको मेरा चैनल पे एक बार स्वागत है। आज मैं आप लोग को दिखाने के लिए लेके जा रहा हूँ सिला पत्थर डाउन। और तब तो चलिए मेरा सर पूजा करता है वो टेम्पल में आपको दिखाऊंगा। ये छोटा वाला टेम्पल है और जिस टेम्पल पे जो रीति नीति होता है हमारा जो गांव का रीति होता है टेम्पल पे आप देख रहे हैं। और ये देखिए गांव का एरिया, और जब आप गांव पे रहोगे तब आप गांव पे पता चलेगा कि गांव का रोड कैसा है, गांव पे लोग कैसे रहते हैं। तो सामान लेना है हम लोग को इसी दुकान पे, हम लोग सामान ले लेता हूँ, मिलेगा कि नहीं। हेलो फ्रेंड, ये अभी हाईवे पर हम लोग पहुंच चुके हैं, नहीं पहुंचने वाले हैं। और आई होप आप लोग को अच्छा लगेगा ये ब्लॉग, क्योंकि आज भैया का साथ वीडियो बना रहा हूँ। हाईवे और इस हाईवे में पहुंचते आप लोग जिस तरफ हम लोग जा रहे हैं इस तरफ हम लोग पहुंच जाएगा अरुणाचल। अरुणाचल बॉर्डर पहुंच के हम जा सकते हैं साइना बॉर्डर तक, और साइना बॉर्डर पहुंच कर जाए हम लोग, और इसी रोड से हम लोग साइना तक पहुंच सकते हैं। और और फ्रेंड्स, आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ, ये मैथिल हाई स्कूल है और मैंने इसी स्कूल में पढ़ाई किया था। और यहाँ पे आप लोगों को दिखा रहा है ये जो पंचायत का जो ग्राउंड है, यानी कि हाई स्कूल का ग्राउंड है। यहाँ पे तो लोगों को मतलब प्रोग्राम होता है और लोग यहाँ पे खेलता है, जो स्कूल का जो प्रोग्राम होता है, स्कूल का जो स्पोर्ट होता है यहाँ पे होता है, इसी ग्राउंड पे होता है। और ये है टेम्पल है, मंदिर है, और मंदिर को भी मैंने आप लोग को दिखाया है। और मैं जहाँ जा रहा हूँ वो है सिलापत्थर टाउन, यानी कि डिस्ट्रिक्ट का, हम लोग का जो डिस्ट्रिक्ट का कुछ प्लेस में टाउन है, एक बिजनेस एरिया है, वो उनका नाम कहता है कि सिलापत्थर। और सिलापत्थर लेके जा रहा हूँ, आप लोग शायद सिलापत्थर का नाम सुना है, आप लोगों ने नहीं देखा आज तक, तो मैं आप लोग को दिखाऊँगा सिलापत्थर। और दोस्तों, मैं यानी कि हम लोग पहुँच चुका हूँ गाय नदी। आप लोगों ने शायद गाय नदी के बारे में सुना है, एक ब्रिज है, तो एक ब्रिज भी है, एक रिवर है, गाय नदी बोल के एक रिवर है, वो बड़ा रिवर है। वहाँ पे बहुत जो लहर होता है, लहर बहुत ज़ोर से आता है, तो यहाँ पे बहुत बड़ा फ्लड होता है जो बारिश का टाइम पे। तो मैं ये जगह पहुँच चुका हूँ, आप लोग को मैं रुक के मैं आप लोग को अच्छा से दिखाने के लिए कोशिश करूँगा इस प्लेस को, गाय नदी कैसा है और गाय नदी पे कैसे पानी बढ़ता है और क्या क्या प्रॉब्लम होता है लोगों को, आप लोग को शायद पता ही है। मैं पर भी आप लोग को गाय नदी को दिखाने के लिए कोशिश करूँगा। मैं थोड़ा जाके मैं गाड़ी को रुकाना पड़ेगा, यानी कि बाइक को रुकाना पड़ेगा, रुका के मैं आप लोग को दिखाऊँगा। आप लोग शायद अभी देख रहे हैं, ये थोड़ा सा बड़ा एरिया है। मैं अभी रिवर पे यानी कि जो ब्रिज है बीच पे रुकना पड़ेगा, और रुक के मैं आप लोग को अच्छे से दिखाऊंगा और आप लोग को भी मैं दिखाने के लिए कोशिश करूंगा। वीडियो को जरूर लास्ट तक देखिए, आप लोग को शायद अच्छा लगेगा। और फ्रेंड्स, आप लोग दिखाई दे रहा है, ये है एक गायनरी ब्रिज, और जिस ब्रिज में जो लोग करीबन 5 साल पहले, जो 5-6 साल पहले यहाँ पे एक फ्लैट हुआ था, उस फ्लैट में करीबन लोग 15-20 लोग यहाँ पे, जो इस फ्लैट से मतलब यहाँ का जो ब्रिज है इसमें एक फ्लैट हुआ था, उस फ्लैट का वजह से लोग करीबन 20-25 लोग मरा हुआ था, यानी कि डेथ हो गया था। तो अभी भी मतलब जब बारिश हो जाता है ये पानी बढ़ने लगता है, और बढ़ने के बाद जो यहाँ का जो अंचल है, यहाँ का जो आपको एरिया दिखाई दे रहा है, ये एरिया है, तो इस तरफ का जो लोग है और सभी लोगों को इसका वजह से उन लोग को प्रॉब्लम आता है। और मैं आप लोग को सारे नदी को दिखाने के लिए कोशिश करूँगा। ये जो आप लोग को ब्रिज दिखाई दे रहा है, यानी कि ये ब्रिज है, ये रेल ब्रिज है, और ये रिवर है, ये गाय नदी रिवर है, और जिस रिवर का नाम गाय नदी है, और इस गाय नदी में लोग जो होता है उन लोग को बहुत ही प्रॉब्लम होता है। जब फ्लड आता है, जब पानी बढ़ने लगता है, ये पानी बहुत बढ़ता है, और ये पानी जाके लोगों को प्रॉब्लम में लाता है। और इसी में आपको दिखाई देगा, इसमें एक दूर प्लेस है, यहाँ पे जो बाहर का जो लोग होता है या इस रोड का जो बाहर का लोग होता है, उन लोग को सारे उन लोग को प्रॉब्लम में आता है। और जब फ्लड होता है, आप लोग को सारे यहाँ पे दिखाई दे रहा है बम्बू से उन लोग मतलब पानी को रखने के लिए कोशिश करता है। मैं आप लोग को सारे प्लेसेस को दिखाने के लिए कोशिश करूँगा। और जिस इस फ्लड में जब फ्लड बढ़ता है और बढ़ने के बाद जो पानी होता है, ये पानी
बहुत ही मतलब भयानक होता है। तो हम लोग का डिस्ट्रिक्ट का जो टाउन होता है, धेमाजी डिस्ट्रिक्ट का टाउन है, वहाँ तक पानी इसी पानी से वहाँ तक फैल सकता है। जब पानी मतलब बढ़ता है तब बारिश देने से माउंटेन में बारिश देता है। यहाँ पे आप लोग को अरुणाचल है और अरुणाचल से ये नदी इस तरफ आ रहा है और इसी नदी से आके जो यहाँ पे कहाँ तक ये नदी जा रहा है मेरे को इतना तक पता नहीं, बट एज ऑफ नाउ जो ये नदी है बारिश देने से, जब माउंटेन में बारिश देता है, जब अरुणाचल में बारिश होता है, ये पानी बढ़ने लगता है। बढ़ने के बाद जो लोगों को बहुत ही प्रॉब्लम में लाता है, शायद आप लोग दिखाई दे रहे हैं, ये है आप लोग दिखाई दे रहे हैं, ये है ग्रैनरी ब्रिज। और जिस ब्रिज में मैं अभी हूँ और शायद उसी वहाँ पे जो रेल होता है और जहाँ जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ इस जगह पे मतलब बसेस होता है या जो भी गाड़ी है, ये नेशनल हाई रोड 15 नंग है और इसी रोड से अरुणाचल जाता है गुवाहाटी, यहाँ से होके दिल्ली तक जा सकता है। बात ये जो दिखाई दे रहा है आपको, ये भी एक जो रेल लाइन है, इसी रेल लाइन जाकर फिर डिब्रुगढ़, डिब्रुगढ़ से मुकुम सेलेक तक जुनाई तक जा सकता है। अब डिब्रुगढ़ होके मतलब साउथ तिनसुकिया तक ये रेल ये इसी तरफ जाता है। बट जब पानी बढ़ता है, ये जो पानी बढ़ने लगता है और जो ये आप लोग को नदी का जो ये जो आपको पुल दिखा दे रहा है, ये जो पुल है यानी कि ब्रिज है, रेल का ब्रिज है, इससे पानी बढ़ने से और ऊपर बढ़ता है। बट रेल भी आने के लिए दिक्कत हो जाता है क्योंकि प्रॉब्लम में आता है। जो इस नदी का जो लहर है, लहर बहुत ही तेज तरीका से लहर बढ़ता है और मैं आप लोग को दिखाने के लिए कोशिश करूंगा और थोड़ा सा, क्योंकि देखिए आप यहाँ का जो लहर होता है ये बहुत ही जोर से, बहुत ही जोर से ये लहर बढ़ता है। और काफी मांगना चाहता हूँ और यहाँ से आपको दिखाई देगा और हम लोग लगभग पहुंच गया है। अभी 2 मिनट का रास्ता है, अभी कुछ ही देर का बाद हम लोग पहुंच जाएंगे। आप लोग मैं दिखाने के लिए कोशिश करूँगा, आप लोग देखिए रास्ता। मेरा बॉर्डर का एक चैनल है जिसका नाम है असमीस मोटिवेशन, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लिंक दे दूंगा और आप लोग वहां पे जाके आप असमीस मोटिवेशन आप वीडियो देख सकते हैं। हम लोग पहुंच गए अभी सिलावधार, ये है सिलावधार मेडिकल है और जो टाउन का जो मेडिकल है आप लोगों ने ये देखा दे रहा होगा, शायद इतना बड़ा मेडिकल नहीं पर भी एक टाउन पे एक मेडिकल होता है, तो इस सिलावधार टाउन का ये मेडिकल है और जितना भी सिलावधार का लोग होता है इसी हॉस्पिटल में आता है और यहाँ पर इलाज कराता है। और यहाँ में भी अभी कोरोना वायरस पॉजिटिव केसेस है, माइट भी 43-44 केसेस है यहाँ पर, मैंने जब तक मेरे को जानकारी है। मैंने आप लोगों को दिखाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ रोड को, ये भी सिलापत्थर का आसपास का रोड है क्योंकि मेडिकल का रोड है और अच्छा है, थोड़ा सा देखने के लिए भी अच्छा है क्योंकि अगर पेशेंट्स लाया जाता है तो पेशेंट लोगों को तकलीफ ना होने के लिए रोड को अच्छे से बनाया गया है। और अगर आपने धेमाजी का मेडिकल रोड देखोगे तो आपका हालत ख़राब हो जाएगा, इतना ख़राब है कि गड्ढा, इतना बड़ा बड़ा गड्ढा है, उस हॉस्पिटल तक पेशेंट पहुंचने तक मतलब मर ही जाएगा। और मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूं असम गवर्नमेंट से कि जो मेडिकल का जो रोड है धेमाजी का वो अच्छे से बना दीजिए। तो ये सिलापुर लगभग पहुंच गया हम लोग और 1 मिनट का जो ये है डिस्टेंस है, मीन्स लगभग पहुंच ही गया है। और यहाँ से सिलापुर इस तरफ से, क्योंकि हम लोग हाई रोड से नहीं आए, हम लोग एक शॉर्टकट रास्ता से आया, 10 किलोमीटर का डिस्टेंस होता है, 10 किलोमीटर हम लोग शॉर्टकटिंग रोड से आए और ये पहुंच गया। और आप लोग को मैं दिखाने के लिए कोशिश करूंगा सारे सिलापुर को, आप लोग लास्ट तक वीडियो प्लीज़ ज़रूर देखना है। और आप लोग को कमेंट करके आप लोग बताइए कि आप लोग को इस सिलापुर टाउन को आप लोग को कैसा लगेगा और सिलापुर टाउन में आप लोग को कुछ कुछ देखने के लिए तो इतना प्लेसेस अच्छा प्लेसेस नहीं है, बट आपको सिलापुर से करीबन 40 किलोमीटर डिस्टेंस, 30 किलोमीटर डिस्टेंस जाके आपको मालिनी थान मिलेगा, लेखावाली, वहाँ पे आपको जो इतिहास का जो टेंपल है ये सब आप लोग को देखने के लिए मिलेगा। ये है सिलापुर टाउन और थोड़ा सा लॉकडाउन है क्योंकि कोरोना वायरस का वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम में आ रहा है, तो इसलिए लोग ज़्यादा यहाँ नहीं घूम रहा है क्योंकि सिलापुर एक बिजनेस एरिया है जो क्योंकि अरुणाचल बॉर्डर का सामने पे जो ये सिलापुर टाउन लगता है, क्योंकि सिलापुर से जो अरुणाचल का जितना भी जो ये होता है फूड्स होता है, जो सब्जियां होता है, जितना भी फूड का रिलेटिव होता है सब, ये सब होता है, तो ये सब सामान, सारे सामान जो यहाँ से सिलापुर जाता है, सिलापुर से जाके अरुणाचल पहुँचता है और इसलिए ये जो प्लेसेस होता है बिजनेस के लिए ये फेमस प्लेस है। और बाहर बाहर से लोग यहाँ पे आता है मार्केट करने के लिए, बाहर मीन्स थोड़ा सा अरुणाचल का लोग आता है, अरुणाचल का लोग आके यहाँ पे ज़्यादा मार्केट करता है क्योंकि बिजनेस एरिया है, तो यहाँ से बिजनेस ज़्यादा शुरू होता है, तो इसलिए सिलापुर टाउन थोड़ा सा पहले से भी थोड़ा सा डेवलप होने लग रहा है। बट आप लोग को रोड में कुछ कुछ जगह पर रोड में प्रॉब्लम आपको दिखाई देगा क्योंकि अभी बारिश का टाइम है, तो इसलिए रोड का प्रॉब्लम दिखाई देगा साइड कुछ कुछ प्लेसेस में। और आप लोग प्लीज़ लास्ट तक वीडियो को जरूर देखना है। आपको यहाँ पे वीकली मार्केट लगता है, वीकली मार्केट जो है कि
ट्यूजडे को यह वीकली मार्केट लगता है, जो वीकली मार्केट अभी कुछ के लिए शायद लॉक होगा लॉकडाउन का वजह से। और आप लोग को दिखा दे रहे हैं ये जो यहाँ पे जो वीकली मार्केट मिलता है, इसी रोड पे आकर आपको वीकली मार्केट मिलता है। और वीकली मार्केट थोड़ा सा जाकर सामने में आगे में जाकर आपको वीकली मार्केट मिलेगा। और ये आप लोग दिखा दे रहे हैं इतना भीड़ भाड़ है लॉकडाउन का वजह से, लॉकडाउन होने से भी थोड़ा सा मार्केट अभी खुला हुआ है क्योंकि संडे सैटरडे संडे को लॉक होता है। ये आप लोग को वीकली मार्केट है, अभी वीकली मार्केट शायद क्लोज हो गया, बंद हो गया। स्टॉप कल भर ये है। अभी हम लोग थोड़ा सा कुछ सामान ले लेता हूँ, और जो सामान लेने के लिए आया है मेरा ब्रदर है, जिस ब्रदर को मैं साथ में लेके आया। और मालूम नहीं क्या सामान ले रहा है, आप लोग को मैं दिखाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। शायद हाँ हो गया, ये दिखाई दे रहा है आप लोग को कुछ सामान ही ले रहा है। और जहाँ तक हम लोग पहुँच गया है, मालूम नहीं क्या सामान लिया, जो थोड़ा सा कुछ आप लोग को मैं दिखाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। ये आप लोग देखिए, हनी लिखा है, हनी मास्टराइज नॉर्मल टू ड्राई स्किन। अच्छा कुछ स्किन ये फेस वॉश ही कुछ मालूम नहीं बात लिया है इसका जो काम के लिए। ये आप लोग को देखा दे रहा है आप लोग को, प्रिय ग्राहक अनुग्रह करी वस्तु किनार आगत समय तारीख और वैधता तारीख चाय लब। इसमें ये कहना चाहता है कि आप लोग जो भी आप सामान लेना चाहता है, सामान लेने से पहले आपका उसका एक्सपायरी डेट कब एक्सपायर होते उसका डेट को आप लोग को देख लीजिए, देखने का बाद उसका सामान को लीजिए। क्योंकि आप सामान लेने का बाद अगर आप घर पे जाके आप देखोगे तो ये एक्सपायर हो गया, एक्सपायर होने के बाद आप लोग यहाँ वापस देने आओगे तो आपको यहाँ पे यहाँ आप लोग को मना कर दिया जाएगा। कि यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है कि आप सामान लेने से पहले उसका डेट आप तारीख देख लीजिए कब तक इसका वैलिडिटी है, कब खत्म हो सकता है। मैं आपको अच्छे से दिखाने के लिए कोशिश करूंगा यहाँ का जो दुकान एरिया है, यहाँ पे क्या क्या चीज सामान मिलता है और क्या क्या लोग है यहाँ पे आप लोग को दिखा दे रहा है। परफ्यूम से लेके आप लोग को फेस वॉश से लेके जो सैलून का सारे आप ब्यूटिशियन का जो सारे प्लेस सामान को आप यहाँ से ले सकता है। जरा से जरा आप लोग को मैं दुकान का नाम भी आप लोग को मैं दिखाने के लिए कोशिश करूंगा। और आप को ये भी सॉरी शायद यहाँ पे आप लोग को दुकान का नाम नहीं है, पर भी मैं आप लोग को दिखाई दे रहा हूँ। यहाँ पे लिखा दिखाई दे रहा आपको, डियर कस्टमर प्लीज चेक डेट एंड एक्सपायरी डेट ऑन प्रेसेस। आपको यहाँ पे इंग्लिश में भी लिखा गया है। और मैं जो दुकानदार है यानी कि जो मालिक है उनसे मैं पूछताछ करना चाहता हूँ। एक्सक्यूज मी, आपका दुकान का नाम क्या है? फैंसी स्टोर। ये जो फैंसी स्टोर आपको यहाँ पे क्या क्या सामान ज्यादा मिलता है? कॉस्मेटिक जो आपका फेस रिलेटिव होता है यानी कि जो अपना जो ब्यूटिशियन होता है सैलून होता है उसका वजह से। और आप लोग का अभी लॉकडाउन है, लॉकडाउन का वजह से आप लोग का कुछ दुकान में फर्क आ रहा है? फर्क तो आ ही रहा है। अच्छा आप ये जो कोरोना चल रहा है अभी, कोरोना के लिए आप कुछ कहना चाहता है कि आपको सरकार को या गवर्नमेंट को आप कुछ रिक्वेस्ट करना चाहता है कि आप ये क्या सोल्यूशन हो सकता है? सोल्यूशन तो मैं क्या दे सकता हूँ, और जैसा कि लोग जो है थोड़ा अवेयरनेस होना पड़ेगा। बिल्कुल हाँ, तो गवर्नमेंट तो काफी स्टेप ले रहा है, और अगर लोग अगर परिवर्तन नहीं होंगे बिल्कुल बिल्कुल ये तो कभी सॉल्व नहीं होगा। बिल्कुल आपने एक सही बात कहा है कि जो दुकानदार है या जो मालिक है एक सही बात कह रहा है कि आप अगर लोग अगर नहीं समझेगा, यहाँ का जो जनता अगर नहीं समझेगा, आप अगर सोशल डिस्टेंस नहीं मान रहा है तो लोग, और आपने मास्क परिधान नहीं करोगे तो लोग बीमार और ज्यादा से ज्यादा फैल सकता है। यही कहना चाहता है कि एक मालिक के हिसाब से, एक दुकानदार के हिसाब से। तो आपको इसमें अगर आप लोगों ने इस दुकान से आप कुछ भी आप सामान बाय करना चाहता है तो आप में आप लोग को नीचे पे आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा अपना जो यहाँ का दुकान का जो कॉन्टेक्ट नंबर है वहाँ से मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल लूंगा। आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप लेके आप सामान बाय कर सकता है। आप यानी कि आप ऑनलाइन प्रोसेस तो कर नहीं सकते, ऑनलाइन प्रोसेस है क्या आपसे? मैं ऑनलाइन प्रोसेस नहीं है, बट आपने कुछ अगर सामान चाहिए तो आप कॉन्टेक्ट कर सकता है, आप कॉन्टेक्ट करके बातें कर सकते हैं। और दोस्तों हम लोग अभी जा रहा हूँ एक जुनाई का सामने में सीमेंट सापड़ी कहता है, और मैं आपको देखा नहीं पाऊंगा, थोड़ा सा रात हो जाएगा तो अभी थोड़ा सा शाम हो चुका है क्योंकि इसलिए मैं आप लोग को अच्छे से देखा नहीं पाऊंगा, उनके लिए आप माफ कर दीजिए। और कुछ ही देर का बाद मेरा ब्लॉग को भी ख़त्म करना पड़ेगा जो आपको सिर्फ रोड रोड दिखाई देगा। अभी शाम हो गया, आपको देखिए आप लोग शायद देख रहे हैं अभी थोड़ा सा शाम हो चुका है। और दोस्तों आप लोग को कैसा लगा है मेरा ब्लॉग को आप लोग कमेंट करके बताइए। आज का वीडियो को मैं यहाँ पे समाप्त करना पड़ेगा। आप लोग को कैसा लगा है
प्लीज आप कमेंट करके एक बार बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। शुक्रिया, खुश रहिए, धन्यवाद।